ध्यान योग सरकार कैसे, ध्यान योग का शासन कौन सुलभ है? ध्यान दो प्रकार का, साकार परमात्मा का, निराकार परमात्मा का ध्यान दो प्रकार से होता है। तो निराकार परमात्मा का तो दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान होगा तब ध्यान कर सकता है, और साकार परमात्मा का जैसा फोटो में आकार देख ले उसी प्रकार उनका मन में ध्यान करे और उनके नाम को जप जप, इसी को ध्यान योग कहते हैं। मानस जो पूजा होती है सरकार, वो जैसे बद्रीनाथ नहीं गए, यहीं काशी नहीं गए, यहीं मानस स्मरण करके उनका चार्य पंचोपचार से पूजन किया, बल्कि अधिक पुण्य होता वहाँ जाने से मानस पूजा, क्योंकि मन से पहले मानस पूजा करता है तब वहाँ जाता है, मन ही प्रधान है जी। तो मानस पूजा करने से भी उसको फल हो जाता है तीर्थों का। अभिमान वाले के लिए यही कहा कि आज तुम अभिमान करेगा तो कल, जैसे तुम अभिमान करते हो दूसरे को गिराएगा कल वो गिराएगा तुमको, यही अभिमान होना चाहिए। हाँ अभिमान होना चाहिए, यथा योगी अभिमान बताया। अभिमान दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। एक अभिमान होता है कि मैं धनी हूँ, तुम्हारा को दरिद्रता सब हटा दूंगा, तुम्हारा दुख हटा दूंगा, ऐसा अभिमान करने वाला स्वर्ग जाता है। और कहे है हम बड़े धन, बड़े धन वाले तेरे को पुरस्कृत कर देंगे, उड़ा देंगे, पैसे वही नरक जाता है। तो स्वर्ग जाना हो तो अभिमान कर करके उसका दुख हटा, बस वही धर्मात्मा पुण्यात्मा साधु जो भी कुछ हो। पूर्व जन्म का सरकार स्मृति कौन सा साधन हो सकता है पूर्व जन्म का? जब तक जब भगवान दिव्य दृष्टि होगा तभी जान सकता है। भगवान के भजन करने से दिव्य दृष्टि होती है। देव योनि में भूत योनि, देव योनि में आठ देवतों की जाति है, उसमें ये भूत जो है ये भी देव जाति है, किंतु कैसा है जैसे हम लोगों में जैसे भंगी, भंगी का आशा भगवान बहुत हद है, उसको किसी प्रकार की गलानी नहीं, दया नहीं, कुत्ते कोई मार के पका के खा जाएगा हा? और 20 साल का खर्च धर लेगा सिर पर, रोटी खाता चला जाएगा, ऐसा हम बहुत जगह देखा है स्वरूप। तो ऐसा देवता में नीच जाती है भूत है, दुख देना जानता है वो, हाँ हाँ जैसे हम मनुष्य योनि में है ना बता भंगी, बात ये होता है कि तीन प्रकार से भजन होता है, वाचिक मानसिक और उपांशु। तो गदाल करके जो भजन करेगा उसका 10 गुना फल होता है, ढोल ढाल झंडा गाज के साथ स्वर के साथ, तो कभी उसका 10 गुना फल होता है। और ओठ न हिले, जोर जोर से जो भजन किया जाए ओठ न हिले, पास बैठा आदमी जो सुन न सके, ऐसे भजन को उपांशु कहते हैं, इसका 100 गुना फल होता है। और जो मन ही मन भजन किया जाए उसको मानस कहते हैं, 100 गुना फल होता है। मन मन विषय हुआ तो हाँ, यानी मंत्र सिद्ध तब तक मौन हो के नहीं जपोगे तब तक नहीं सिद्ध। परकरणा मंत्रो आपन्नु न फलम देता, जो जपता है दूसरे के कान में पड़ता तो वो फल नहीं देता, सिद्ध नहीं होता, ऐसा गुरुजन कहता है। तो गर्जने का ऐसा जोर से नहीं, भीतर उसको गर्जना माने भगवान का भजन करे भीतर। यानी इसका अर्थ है कि भगवान का भजन करने से सब भगवान उसके सहायक होते हैं, तो दूसरे लोग हटते रहते, ये बात अर्थात भगवान के भक्त के ऊपर सब कृपा करती, जिस पर राम जी की कृपा हो सब उसको कृपा करते। और अपने अपने पर
ऐसे पांच देवी के कलीम या ऐम नाम के समान कोई नाम ही नहीं सुनता है। बीज मंत्र बताए ऐम और कलीम, ऐम बात करता हूँ, ऐम का सबसे बेसी महात्म्य है। तो ऐसे जिस जिस प्रकरण में जो है उसके मंत्र की बहुत महात्म्य है। तो जिसमें जिसकी इच्छा हो जब बेड़ा पार, हाँ तो ये मरने के पहले जब श्राद्ध विराद करता है तो सन्यासी के लिए, ये सबके लिए नहीं। जिसने जाति पाति कुल गोत्र सब त्याग त्याग दिया है उसको जीते में श्राद्ध अपना कर ले, दूसरे को करना मना है। और सर्वस्व यज्ञ कर सकता है, गृहस्थ सर्वस्व दान का यज्ञ, यज्ञ सर्वस्व दान का। तो क्या करें, अपने पुत्रों को अपनी स्त्री को सब बंटवारा करके अपनी हिस्सा को और सब सज्जनों को दान करें, ये कर सकते हैं। किंतु श्राद्ध अपना नहीं कर सकता।